Assalamualaikum my YouTube family, I hope you all are doing great. तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन फजीता पास्ता। तो रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है एंड तक। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में काटा है और इसके अंदर अब ऐड करूँगी मैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है, आप लोग नॉर्मल घर का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर एंड लेमन जूस, 1 लीमू का जूस ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 30 मिनट्स के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रखना है फॉर 30 मिनट्स, ताकि इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो चिकन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, तो अभी हम बनाएंगे फजीता सीजनिंग। जो स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जाएगा पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, देन इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, देन इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सारे ड्राई स्पाइसेस हैं और लहसुन पाउडर भी मैंने ऐड किया है, वो थोड़ा सा स्टिकी है, वो मौसम की वजह से इस तरह से है। बाकी सारे स्पाइसेस ड्राई होने चाहिए और ये हमारे पास जो फजीता सीजनिंग है वो रेडी हो गया। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अब इस फ्राइंग पैन में मैं चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था मैंने स्पाइसेस ऐड करके, तो उसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। तो ये सारा चिकन हम इसमें डालेंगे, साथ में मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में आपने इसको कुक करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना, ये जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। अगर आपने इसको पकाना है तो फ्लेम शुड बी लो टू मीडियम। जब तक मेरा चिकन जो है वो टेंडर होता है तब तक मैं काट लेती हूँ टमाटर। टमाटर हमने काटने हैं, इसको बारीक बारीक सा चॉप करना है, प्यूरी भी डाल सकते हैं टमाटर प्यूरी अगर आपके पास है तो, वरना फ्रेश टमाटोज आप इसको बिल्कुल बारीक सा फाइनली चॉप करके डालेंगे। सो टमाटर को मैं बिल्कुल फाइनली चॉप करूँगी और ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर घर पे ट्राई करनी है, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और वेरी इजी टू कुक है। स्पाइसेस नहीं होते इतने ज़्यादा, जस्ट माइल्ड फ्लेवर होता है और चिकन फजीता स्पाइसेस हैं इसके। आप ये चिकन फजीता जो सीजनिंग मैंने बनाई है ये आप लोग पिज्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं जब आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, फजीता पिज़्ज़ा, और इसके अलावा कोई भी अगर आप चीज़ फजीता फ्लेवर की बनाना चाहें, सैंडविचेस बनते हैं वो आप बना सकते हैं सीजनिंग के साथ, तो ये सीजनिंग आपको काफ़ी जगह पे हेल्प आउट करेगी। गाइस माय चिकन इज़ ऑलमोस्ट टेंडर। अच्छा आप क्वांटिटी पे आप देख रहे होंगे कि कम क्वांटिटी है चिकन की, मैं बस 2 पीपल सर्विंग बना रही हूँ क्योंकि मैंने खाना है और मेरी सिस्टर ने खाना है, तो 2 सर्विंग्स फॉर दिस रेसिपी इज़ ओके। आपने अगर ज़्यादा सर्विंग करनी है तो आप डबल से क्वान्टिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके चिकन को मैंने निकाल लिया है, मेरा चिकन अच्छी तरह से पक गया है, टेंडर हो गया है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमने इसके अंदर डालनी है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का सौते करना है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी शिमला मिर्च। अच्छा क्वांटिटी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिन कुछ लोगों को सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं।
तो शिमला मिर्च के अंदर आप लोग रेड कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप लोग येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं कलरफुल करने के लिए। और उसके बाद मैंने ऐड करना है अनियन, उसके बाद इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियों को हमने सौते करना है। एंड साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून फजीता सीजनिंग। फ्रेंड्स एट दिस स्टेज माय वेजिटेबल्स आर रेडी, वो अच्छी तरह से सोते हो गए हैं, मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया इनके अंदर। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टोमेटोज और आप लोग टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। एक 1 मीडियम साइज टोमेटो लिया मैंने, इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे अंटिल इट गेट्स सॉफ्ट। आपने अपना टेस्ट करते रहना है कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए और कितना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन, सो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सो दैट टोमेटोज का जो टेस्ट है वो चिकन में भी आ जाए और एक रिच फ्लेवर से आप मिल जाए हमें हमारे पास्ता को बेसिकली। तो अभी इसमें डाला है मैंने पास्ता, उसके बाद ऊपर से जाएंगे सारी वेजिटेबल्स। Oh, 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 oh
पास्ता इज ऑलमोस्ट रेडी। अब इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करते हैं मिक्स्ड हर्ब्स के साथ, या फिर आप ऑरिगैनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा, फजीता टेस्ट आएगा। सो मिक्स हर्ब्स ऐड कर दिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर पकाएंगे। चिकन फजीता पास्ता रेसिपी इज रेडी। डू ट्राई दिस एट होम, यू विल लव द फ्लेवर। सो गाइज, आई विल सी यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।